बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल मदर्स हेल्दी किचन में सब देखने और सुनने वालों को वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बख़ैर वाफियत होंगे। जी व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप यूं तो हर मौसम में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसको देसी ट्विस्ट से बनाना सिखाऊंगी। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली जाएंगी जो कि इसकी इसके टेस्ट और इसकी गज़ाइत में थोड़ा इजाफ़ा कर देंगी। तो चलें चलते हैं ये यखनी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ यखनी के लिए मैंने ये 1 किलो चिकन ले लिया है। इसके अलावा ये कुछ होल स्पाइसेस इसमें जाएंगे, जिसमें यहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सब्ज़ इलायची, तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ इलायची हैं और 2 से 3 स्टिक्स दालचीनी है, 1 तेज़पात है, 4 से 5 लौंग हैं और थोड़ी सी काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची जो है इसमें शामिल है। उसके बाद ये लहसुन अदरक है, तो 8 से 10 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं साबुत, और 2 पीस मैंने इधर अदरक के ले लिए हैं। ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। ये स्मॉल साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं, तकरीबन 3 अदद, वो भी मैंने कट कर लिए मोटे मोटे। ये मेरे पास फ्रीज हुई हुई गाजरें पड़ी थी, ये तकरीबन 2 गाजरें होंगी, और ये इसी तरह से बड़े बड़े पीसेस इसमें हम डालेंगे। और 3 से 4 ये साबुत हरी मिर्चें ले ली हैं, और 1/2 कप जो है धनिया इसमें, सब्ज़ धनिया मैं डालूँगी, ये भी मोटा मोटा कटा हुआ है। और ये 1 टेबल स्पून यहाँ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखचे में 1 by 1 हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे चिकन के साथ, और इसमें तकरीबन ये तकरीबन 15 गिलास ये मैं इसमें पानी डालूँगी जो पक के फिर थोड़ा कम हो जाएगा, और इसको तकरीबन हम 30 to 40 मिनट्स ये अच्छे तरीके से ये पकाएंगे। ये देखें, अब ये स्ट्रेनर लेके और इसमें ये यखनी छान लेंगे। ये देखें, ये 2 बाउल यखनी के निकले हैं, चिकन हमने अलग से रख लिया है इसमें से, और सारी जो सब्जियां और मसाले थे उनको भी ये देखें अच्छे तरीके से मसल के उनका सारा रस जो है वो निकाल लिया है। अब दोबारा देखचे में ये यखनी डाली है और उसमें बॉयल जब आया है तो ये चिकन शामिल करेंगे जो मैंने रेशा रेशा कर लिया था सारा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। ये स्वीट कॉर्न्स का 200 ग्राम्स का एक टिन था जो मैंने मोटा मोटा उसको ब्लेंड कर लिया है, ये डाल देंगे। इसकी जगह आप मकई के दाने भी उबाल के और उनको ब्लेंड करके शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च ये मैं डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है। 2 कप मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको पानी डाल के मैंने गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें डालेंगे और तकरीबन 5 मिनट कॉर्नफ्लोर डाल के पकाएंगे ताकि उसमें लम्स ना पड़े। इस दौरान चम्मच मुस्तकिल हिलाएंगे। उसके बाद ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ये सिरका ऐड किया है, आप ये ऑप्शनल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सिरके से तो आप बेशक ना डालें। जी लास्ट में ये 2 अंडे फेंट के थोड़े थोड़े करके डालेंगे और चम्मच मुस्तकिल हिलाएंगे। बस ये 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाया और ये सूप हमारा बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। ये बाउल में डालते हैं इसको और फाइनल इसकी लुक आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, गर्म गर्म सूप सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। 3 टाइप के सॉसेज के साथ इसको हम सर्व करते हैं। उम्मीद है कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।